क्या आपकी स्कॉलरशिप लग गई है और अब आप फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं या फिर फैमिली के साथ एक ही दफ़ा में यहाँ आना चाह रहे हैं? क्या इस स्टाइपेंड की अमाउंट में आपके लिए अफोर्डेबल होगा यहाँ पे रहना? रेजिडेंस यहाँ पे कितने में मिल जाती है? एक महीने का कम से कम कितना एक्सपेंस होगा? इस किस्म के जितने भी सवाल आपके जहन में हैं तो इस वीडियो में जो है ना आज वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद S1 वीज़ा का जो प्रोसीजर है और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको भी इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो सबसे पहली बात यह है कि S1 वीज़ा जो है वो स्टूडेंट वाले जो है ना वो भी लगवा सकते हैं, बिजनेस और वर्क वाले भी जो है ना वो S1 वीज़ा लगा सकते हैं, तो उनका केस जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले स्टूडेंट वीज़ा को जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। आपका स्टूडेंट वीज़ा लग गया है, अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक ये है कि आप यहाँ पे आ गए हैं और अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना चाह रहे हैं, और दूसरा केस ये है कि आप वहीं से जो है ना साथ लेकर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाह रहे हैं। दूसरा केस जो है उसके अंदर आपके लिए जो मुश्किल आए थे वो ये हैं, फर्स्ट 2 मंथ्स में आमतौर पे स्टाइपेंड जो है ना वो स्टार्ट नहीं होता। बेहतर ये है कि आप पहले आ जाएं यहाँ पे, अगर आपका कोई जानने वाला यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है जो आपकी हेल्प करे और आपके आने से पहले आपकी फैमिली के लिए यहाँ पे रेजिडेंस वगैरह का कोई बंदोबस्त करके रखे, देन ठीक है, फिर आप अपनी फैमिली के साथ एक दफ़ा में आएँ। दूसरा केस जो है वो ये है कि आप यहाँ पे पहले आ जाते हैं तो क्योंकि स्टाइपेंड जो है वो फ़ौरन शुरू नहीं हो जाता, उसके लिए भी आपको 1.5-2 महीने लगते हैं। 2 महीने के अंदर आप ये करते हैं कि आप खुद भी जो है ना जगहों से फैमिलियर हो जाते हैं और खुद जो है ना अपार्टमेंट या रूम वगैरह जो भी है वो ढूंढते हैं। उस सूरत में ये होगा कि आप अच्छे तरीके से ढूंढेंगे, ये देखेंगे कि करीब जो है आपको सर्वे लगेंगे आपके रेजिडेंस के नहीं, आपके लिए आना जाना ट्रैवल करना उधर से इजी है कि नहीं, क्योंकि आपने क्लासेस अगर लेनी है या फिर अगर जस्ट रिसर्च का काम है और आपको हफ्ते में 1-2 दफ़ा जाना पड़ता है तो उसके लिए भी आपको एटलीस्ट सबवे करीब पड़ रही है या नहीं पड़ रही, बस स्टेशन करीब पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, जितनी भी मार्केट्स कोई भी छोटी मोटी चीज़ लेने के लिए ब्रेड गोश्त सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए आपको करीब है या नहीं है, ये चीज़ें सारी की सारी आप खुद अच्छे तरीके से जो है ना देख के खुद रेजिडेंस वगैरह सेलेक्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा दोनों केसेस में। अगर तो आप फैमिली के साथ ही आना चाह रहे हैं तो उस सूरत में भी जो है पहले आप अपना वीज़ा लगाएंगे एंड देन अपने स्पाउस का वीज़ा लगाएंगे। इसमें हिसाब किताब थोड़ा सा ये है कि जो इन्फेंट हैं उसके लिए बाजों का जो है ना मामा के साथ इकट्ठा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा लग जाता है, हस्बैंड का वीज़ा जो है वो एक साथ नहीं लगता, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपना वीज़ा लगाएं और उसके बाद जो है ना उसकी बेस पे वीज़ा अप्लाई करें। S1 वीज़ा जो है उसकी कैटेगरी जो है ना वो ब्लड रिलेशन की है, मतलब आप अपने बच्चे वगैरह को बुला सकते हैं, हस्बैंड को बुला सकते हैं, आप अपने मामा पापा को बुला सकते हैं, बहन भाइयों को बुला सकते हैं। उसके बाद जो मेजर कंसर्न होता है वो ये होता है कि यार ये 3500 RMB जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा या 3000 जो भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा तो क्या ये इनफ होगा या नहीं। तो बेसिकली जो ये चीज़ है ना ये सिटी टू सिटीज़ वैली करता है एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैली करता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको NOC दे देती है कि आप अपनी फैमिली को बाहर रख सकते हैं तो उसके लिए आपको CSC या यूनिवर्सिटी की तरफ से बेसिकली जो अमाउंट होती है 1000 RMB PhD के लिए होता है और आई थिंक 700 RMB MPhil के लिए होता है जो कि यूनिवर्सिटी आपको देती है बाहर अकोमोडेशन के लिए। तो ये मिला के अगर हम PhD की बात करें तो वो 3500 जो है वो आपका 4500 बन जाता है, उसके अंदर आप इजीली जो है ना बाहर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। अच्छा, उसके अंदर ये है कि अगर आप अपना हाथ होला रखें तो ऑफकोर्स रह सकते हैं। हमारा यहाँ पे बीजिंग के अंदर हमने अपार्टमेंट लिया है जो कि यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर है, तकरीबन ये बन जाता है 32 किलोमीटर दूर। अगर आप सिटी के मेन सिटी के अंदर लेते हैं तो आपको 6000-5000 के जो है ना अपार्टमेंट मिल रहे हैं, और यहाँ पे बीजिंग सिटी के अंदर हम इतनी दूर रह रहे हैं 31 किलोमीटर पे, और हमें यहाँ पे 1300 के अंदर जो है ना पर मंथ मिल रहा है। कुछ ठंडे इलाके हैं जैसे बीजिंग है, यहाँ पे जो है ना खास तौर पे हीटिंग चार्जेस जो है ना वो सेपरेट देने पड़ते हैं आपको। बाहर जगहों पे हीटिंग चार्जेस भी जो है ना ये ऑलरेडी रेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। इलेक्ट्रिसिटी का ये सीन भी है कि हमारे जो है ना इधर सर्दियाँ चल रही हैं, जाहिर बाहर स्नो हो रही है तो गीज़र वगैरह चलता है, इलेक्ट्रिक गीज़र है। बिल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, 183 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं जो कि बन रहे तकरीबन 244 UM पर मंथ हमें इलेक्ट्रिसिटी पड़ी है। 5 टन पानी हमारा यूज हुआ है, उसके हिसाब से हमें वाटर जो है ना 50 UM का पड़ा है। बीजिंग के अंदर ही कुछ न्यू कम्युनिटीज़ बनी है, वहाँ पे जो है ना आपको इलेक्ट्रिसिटी 0.5 UM पर यूनिट पड़ रही है, और उसके बाद जो है ना वाटर वो आपको 5 UM पर टन पड़ रहा है। तो ये डिपेंड करता है, सिटी टू सिटी भी डिपेंड करता है और जगह एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर किसी सस्ती सिटी के अंदर आप जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो है ना 1000-1200 तक का अपार्टमेंट अच्छा सा मिल जाता है, और उसके ऊपर आपके अपने खर्चे कितने होंगे बेसिकली, तो ये जो है ना वही बात है कि हाथ वाला रखें तो आप अपने खर्चे जो है ना तकरीबन 1500 तक कर सकते हैं अकोमोडेट पूरे।
अच्छा, सिटी टू सिटी ये भी वेरी करता है कि बाज़ औक़ात जो है ना, कुछ बीजिंग में भी है ऐसे कि कुछ जो है ना न्यू कम्युनिटीज़ बनी है, वहाँ पे आपको जो रेंट है रूम के उसी के अंदर आपको जो है ना पानी और कम्युनिटी क्लीनिंग चार्जेस ये सारी चीज़ें आपको उसमें इंक्लूड कर देते हैं, वाईफाई वगैरह। तो कुछ सिटीज़ में जो है आपको अलग से पे करना पड़ता होता है। छोटी सिटीज़ में आपको तकरीबन जो है ना 1000 से 1200 तक का आपको ईजीली जो है ना अपार्टमेंट मिल जाएगा, और उसके बाद टोटल मिला के ये खर्चा 1000 1200, चलें 1500 कर लें, अगर इसके ऊपर मजीद खर्चे डाल के आपको जो है ना रूम के 1500 पड़ जाते हैं। और उसके बाद जो है आप 1500 का ही अपना हिसाब रखें कि आपका स्टाइपेंड जो है ना 15 प्लस 15 3000 यहाँ पे आपका इस्तेमाल हो जाया करेगा, क्योंकि आपको बाहर रहने के लिए जो है ना यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी अमाउंट मिल रही है 1000, यानी कि आपका 4500 स्टाइपेंड था। तो 3000 अगर आप साइड पे कर लें या फिर 3200 भी लगा लें तो आपके पास 1200 1300 1500 जो है ना वो बच जाएगा, उसको आप चाहें तो घर भी भेज सकते हैं या फिर इधर मजीद जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं मतलब शॉपिंग वगैरह और ये वो अपना उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ना समझें कि अगर आपको जो है ना स्कॉलरशिप मिल गई है और आप समझ रहे हैं कि यार आप तो फैमिली के साथ जाएंगे मज़े मज़े 3 4 साल आराम सुकून से वहाँ पर गुजारेंगे, तो बेसिकली फैमिली के साथ रहना जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। एक तो बात आपको मैंने ही बता दी कि आपको जो है ना यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है, अगर आप थोड़ा सा सस्ते के चक्कर में देख रहे हैं। अगर आपको क्लासेस लेने जानी है तो उसको भी आपने मद्देनजर रखना है कि आप जो है ना डेली जाएंगे तो बाज़ औक़ात जो है ना 1.5 2 घंटे आपके एक साइड के सफ़र में गुजर जाते हैं, यानी 4 घंटे आपके आने जाने के होते हैं। तो सुबह आपको जल्दी जाना पड़ता है, शाम को आपको लेट आते हैं, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। बाज़ औक़ात जब आप रेजिडेंस ले रहे होते हैं तो आपको 3 से 6 मंथ का किराया जो है ना वो ये एडवांस में पे करना पड़ता होता है, और उसके बाद जो है ना 1 मंथ की सिक्योरिटी भी होती है, और अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू लिया तो उसको भी जो है ना एक किराया या फिर आधा किराया उसको भी देना पड़ेगा। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जब रेजिडेंस लेते हैं तो आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर वो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो आपका सिक्योरिटी भी गई और आपका एडवांस भी गया और जो 6 मंथ का किराया जो भी था वो गया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये भी अलाउ करती हैं कि आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर जनाब साहब आके मज़े ही मज़े हो जाते हैं ना, फिर आपको कोई सेपरेट पानी के चार्जेस हीटिंग चार्जेस ला फला टमका सब कुछ जो है ना वो नहीं करना पड़ता। अगर फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे हैं, जस्ट उन्होंने दो बंदों ने रहना है, तो फिर तो जो है ना ये स्टाइपेंड आपके लिए थोड़ा इनफ है, और अगर इन्फेंट है छोटा बेबी है तो भी ठीक है ओके है, उसके दूध वगैरह के चार्जेस और ये सब कुछ ठीक है। आपका जो है ना मतलब 3000 तक का जो बन रहा है वो आपका थोड़ा सा और ज़्यादा कर लें 3500 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके जो है ना बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप सोच रहे हैं कि उनकी स्कूलिंग वगैरह और किंडर गार्टन वगैरह या कुछ भी, तो ये चीज़ आपके लिए जो है ना मुश्किल है, इस स्टाइपेंड में जो है ना मुश्किल हो जाएगा। बीजिंग के अंदर जो है ना आमतौर पर ये हिसाब है कि आपने 1 साल की जो है ना इकट्ठी फ़ी जो है ना सबमिट कर देनी है किंडर गार्टन, और ये जो है ना छोटे से छोटा भी किंडर गार्टन जो है ना 1500 पर मंथ लेता होता है, और साल का या 6 महीने का अगर आपने इकट्ठा जमा करवाना हो तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। अच्छा, ये है कि एसमेंट वीज़ा के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। बाद इनकी अपॉइंटमेंट नहीं भी चाहिए थी, तो जब मैंने अप्लाई किया तो वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ था कि अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुकम्मल करके डायरेक्ट जो है ना वहाँ पे पहुँच गया। सबसे पहला काम तो ये है कि वाइफ अगर आ रही हैं एस वीज़ा पे तो उसके लिए उनका आईडी कार्ड और पासपोर्ट ये दोनों हस्बैंड के नाम पे इशू होना चाहिए ऑलरेडी। जेरी की वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त आप देखते हैं कि उन्होंने डेट ऑफ एंट्री मांगी होती है, तो डेट ऑफ एंट्री आप जो है ना एक्सपेक्टेड लिख सकते हैं जिस दिन आप अप्लाई करें उसके 1 हफ्ते बाद की, या फिर एक 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिपार्चर लिख सकते हैं। डेट ऑफ अराइवल यानी कि आप वापस कब आएंगे वो भी मेंशन करनी होती है, तो उसके लिए आप यूँ समझें कि जब आपका स्पॉन्सर यानी कि हस्बैंड या वाइफ जो भी ऑलरेडी चाइना में मौजूद हैं उनकी डिग्री जब ख़त्म हो रही है यानी कि उनका रेजिडेंस परमिट जब ख़त्म हो रहा है उस वक्त की जो है ना नियर कोई डेट डाल दें। फॉर्म फिल करते वक्त उन्होंने एक ऑप्शन ये भी पूछा होता है कि फ़्लाइट नंबर ट्रेन बस टिकट ये वो फ़लाँ टमका जो भी है इसकी डिटेल डालें, तो उस वक्त आप लोगों ने बाय नहीं की होती है अगर टिकट, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि या तो आप 6 दफ़ा 0 डाल दें उसके अंदर, या फिर अगर ऑप्शन है वहाँ पे नील का तो उसको नील कर दें। एक चीज़ जो मेन और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप जेरी ऑफिस में जाते हैं तो आपका मोबाइल वो वहाँ पे रख लेते हैं, तो दूसरा ये कि वहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट ज़रूरत पड़ती है अपने स्पॉन्सर का नंबर लिखने की, तो बेहतर ये है कि जो चाइना में जो आपके स्पॉन्सर ऑलरेडी मौजूद हैं उनका मोबाइल नंबर आप जो है ना एक छोटी सी चीट के ऊपर लिख के अपने पास फाइल्स के अंदर रखें, ताकि जब वो आपसे उसका नंबर पूछें तो आप उनके सामने वो नंबर कर दें,
बच्चा जा रहा है साथ में, तो उसके लिए जो है ना एक अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जेली का ये टोटल जितना भी लंबा आपने फॉर्म फिल किया है, ये आपको एक अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसका सर्विस चार्जेस जो है ना वो इन्फेंट के यानी कि चिल्ड्रन चाइल्ड के भी जो है ना सेम ही होंगे। और मैंने जब अप्लाई किया तो ये 13,300 का था पर पर्सन, यानी कि दोनों का 26,600 का जो है ना वीज़ा अप्लाई किया। अच्छा, जो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसकी जो है ना एक लंबी लिस्ट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना इनविटेशन लेटर है और लेटर टू एम्बेसी है। ये दोनों लेटर जो है ना इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनके डाउनलोड्स में जाके आप जो है ना ये दोनों लेटर डाउनलोड करेंगे। ये दोनों लेटर जो है वो स्पॉन्सर साइन करेगा जो कि ऑलरेडी चाइना में मौजूद है। नंबर 3 पे जो है ना कॉपी ऑफ द पासपोर्ट ऑफ द पर्सन जो कि चाइना में ऑलरेडी मौजूद है, उनका वीज़ा भी चाहिए होगा और उनका रेजिडेंस परमिट भी चाहिए होगा। ये तीनों जो है ना ज़रा क्लियर किस्म की फ़ोटोज़ निकाली हूँ ताकि एक अगला चक्कर ना पड़े आपको। जो स्पॉन्सर है उनका एडमिशन लेटर वो भी ज़रूरी है, अगर वो बिजनेस वीज़ा पे हैं तो फिर उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी होंगे। इसके बाद आ जाते हैं आपकी तरफ से जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं उसमें सबसे पहले तो वही आपका पासपोर्ट, उसकी जो है ना कॉपी आपने निकालनी है फर्स्ट एंड सेकेंड पेज की। सेकेंड पेज से मुराद वो जिस पे सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद जो है अगर आपका कोई प्रीवियस ट्रैवल रिकॉर्ड है, पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प्स लगी हुई हैं एंट्री एग्जिट की कहीं की, तो आप जो है ना उसको सारी के सारे कॉपी निकाल के अपने पास रखें। इसके बाद आ जाता है जी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट MRC, ये दोनों जो है ना मोफा से अटेस्टेड होनी चाहिए। चाइल्ड के केस में ये होगा कि एक तो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा जो कि बी फॉर्म होता है, फॉर्म बी होता है, और दूसरा जो है ना बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा BRC। ID कार्ड की कॉपी जो है वो आपने यूँ करना है कि एक सेम पेज के ऊपर उसकी फ्रंट एंड बैक जो है ना वो प्रिंट हो, एक जगह पे फ्रंट और एक जगह पे बैक होता है, ऐसे नहीं करना बल्कि एक एक ही पेज के ऊपर फ्रंट बैक दोनों सामने मौजूद हो। ऑनलाइन प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने सारा वेबसाइट के ऊपर फिल किया था वो फॉर्म आपने अपने पास रखना है, वो तकरीबन होते हैं 11 से 12 पेजेस। उसके बाद आपके पास जो है ना पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स जो है ना वाइट बैकग्राउंड के साथ, ये मेरे ख्याल में 2 रिक्वायर्ड है वहाँ पे। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ना वो भी ज़रूरी होता है, तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मौका से अटेस्ट होना चाहिए। ये टोटल डॉक्यूमेंट्स है जो कि चाहिए थे, इसके अलावा आपको अगर कुछ लग रहा है तो वो अपने साथ रखें इम्पोर्टेंट। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं प्रोसीजर मुकम्मल करके आया तो उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना मैं आपने प्रिपेयर करके लाया था। अच्छा, फ़ोटोज़ का हिसाब आपने ये करना है कि आपने एक ही दफ़ा में ज़ाहिर आप फ़ोटो निकलवाते हैं तो अपनी तकरीबन कोई 12 या 15 कोई इस तरीके से जो है ना एक्सेसिव अमाउंट अपने पास फोटोज़ निकाल के रखें। यहाँ पे रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए भी काम आएगी, मेडिकल अगर आपने करवाना है तो उसके लिए भी काम आएगी एट्सेट्रा। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसे है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जो है ना एक NOC चाहिए होता है, जो कि जेरी वीज़ा वाले भी मांग सकते हैं आपसे कि आप यूनिवर्सिटी की तरफ से दिखाएं कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपको अपनी फैमिली लेके आने पर। तो इन माई केस ये ज़रूरी नहीं था BNU की तरफ से, तो आई डिड इट प्रिपेयर दिस, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये ज़रूरी होता है, तो बेहतर है कि आप यूनिवर्सिटी से पूछ लें अगर वो इसको अलाउ करते हैं या वो एक लेटर जारी करके दे सकते हैं, तो ये आप अपने पास रखें। अगर ये जेरी वीज़ा में वीज़ा लगवाते हुए आपके काम नहीं आता तो ये रेजिडेंस परमिट में आपके जो है ना काम आ सकता है। बाज़ अवकात बाज़ सिटीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर रेजिडेंस परमिट अलाउ करने से पहले आपसे पूछते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या ये अलाउ कर रही है। तो ये नो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ये आप यूनिवर्सिटी से अगर निकलवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। वर्क वीज़ा वाले के लिए जो है ना उसकी कंपनी की तरफ से भी एक NOC टाइप का और इनविटेशन लेटर, ये दो चीज़ें चाहिए होंगी। लाहौर का जो जेरी वीज़ा है उसके बारे में सुना हुआ है कि ये जो है ना काफ़ी देर लगाती हैं, लेकिन मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे एक हफ़्ते के बाद जो है ना वीज़ा मिल गया था। तो बाद का जो है ना ये लगा देते हैं काफ़ी ज़्यादा दिन, 20-20 दिन भी लगा देते हैं ऐसा मैंने सुना था। बाकी ये है कि इनके फैक्स ज़रूर चेक कर लें ताकि आपको किसी किस्म की अगर एम्बिग्यूटी है तो वो ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाए। चाइना में पहुंचने के बाद जो इमिग्रेशन काउंटर होता है तो वहाँ पे आपसे जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग सकते हैं। अगर तो वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए तो जाहिर है वो एडमिशन लेटर और ये चीज़ें होती हैं, तो अगर जो S1 वीज़ा है तो उसके लिए जो है ना आप यूँ करें कि एक रेजिडेंस परमिट जो ऑलरेडी चाइना में मौजूद है उनका रेजिडेंस परमिट उसकी कॉपी आप निकलवा के रखें अपने पास, उनकी पासपोर्ट की कॉपी अपने पास रखें, और अगर वो यूनिवर्सिटी बेस्ड हैं तो यूनिवर्सिटी की जो है ना अपना एडमिशन लेटर भी अपने पास रखें उनका। प्लस ये कि अगर वो बिजनेस वीज़ा पे हैं या वर्क वीज़ा पे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हैं उनके यहाँ पे प्रूफ शो कर रहे हैं
उनकी कॉपी आप अपने पास वहाँ पर मौजूद रखें। उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस चाहिए होगा, तो बेहतर है कि वो जो है ना आप अपने पास मोबाइल में भी सेव रखें। अगेन ये कि इमिग्रेशन फॉर्म जो है ना वो बेबी के लिए भी एक अलग ही फिल करना पड़ता है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है मेरे ख्याल में, तो फिर यूँ करते हैं कि इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और उसके बाद के जो खर्चे हैं रेजिडेंस परमिट वगैरह के, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताता हूँ।